विद्या भारती विद्यालय आदर्श विद्या मंदिर बसवा की ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का स्वागत। आज हम कक्षा दसवीं विषय गणित में पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। नाम से स्पष्ट है कि पूरक कोण होता क्या है। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा ये छह है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आज हमें पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। वैसे हमने त्रिकोणमितीय अनुपात की जो सारणी पढ़ी थी उस सारणी में 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान थे। इन मानों के अलावा कोई मान है तो वहां उन मानों को किसमें शामिल करेंगे, पूरक कोणों में शामिल करेंगे। लेकिन दूसरा जो मान होगा वो उसका पूरक होगा, अर्थात जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री है वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो उस प्रकार के कोणों का अध्ययन आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो इसके लिए ये सूत्र होता है साइन थीटा को यदि मैं साइन 90 माइनस थीटा लिख लूं तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। साइन थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख लूं तो उसका मान कितना होता है, कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा का होता है साइन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन तो कॉस का पूरक है और कॉस साइन का पूरक है। इसी प्रकार टैन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा। टैन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा, अर्थात टैन कॉट का पूरक है और कॉट टैन का पूरक है। और तीसरा आता है सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। सेक कोसेक का पूरक है और कोसेक सेक थीटा का पूरक कोण है। ये सूत्र इस अध्याय में लागू होंगे। सूत्र अभी याद हो गए, साइन का पूरक कोण कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट और कॉट का टैन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक, साइन 90 माइनस थीटा का कॉस और कॉस 90 माइनस थीटा का साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा का कॉट और कॉट 90 माइनस थीटा का टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा का कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा का सेक थीटा। तो इन सूत्रों के द्वारा जो सवाल है वो कैसे होंगे। मान लो सवाल का रूप कॉस 37 बटे साइन 53 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। यदि सवाल का रूप ऐसा है कॉस 37 डिग्री बटा साइन 53 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे और उनकी सारणी पढ़ी थी। तो सारणी में 0, 30, 45, 60 और 90 के मान
दिए हुए थे और उनके ये मान आ गए, तो ये मान आ गए तो किसके द्वारा होंगे? पूरक कोणों के आधार पर होंगे, और पूरक कोण की परिभाषा के अनुसार दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो 37 डिग्री में 53 डिग्री जोड़ेंगे तो दोनों का योग कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो ये एक दूसरे के पूरक कोण हैं। तो इसके लिए चाहे cos 37 को बदल लो, चाहे sin 53 को बदल लो, किसी एक को बदलना है। मान लो cos 37 बदलना है तो क्या हो गया? sin 90 माइनस 37। cos 37 के स्थान पर क्या हो गया? sin 90 माइनस 37 बटा साइन 53 का साइन 53। कौन सा सूत्र लगा? कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन थीटा किसका पूरा कोण है? कोस का, और कोस किसका होता है? साइन का होता है। तो कोस थीटा के स्थान पर लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा, तो कोस 37 के स्थान पर हो गया साइन 90 माइनस 37। और हर में जो साइन 53 है, साइन 53 का साइन 53। आगे साइन 90 में से 37 घटाए तो साइन 53, 90 में 37 गया तो 53 बटा साइन 53। साइन 53 से साइन 53 कट गया, कटने के बाद क्या आ गया? एक आ गया, तो इसका मान आएगा एक। कोस 37 और साइन 53 में 37 और 53 को जोड़ा, दोनों का योग 90 हो रहा है, तो यह प्रश्न पूरक कोण से संबंधित है। तो साइन 53 और कोस 37 में से किसी एक को बदलना है। मैंने यहां पर कोस 37 को बदल दिया, तो कोस 37 के स्थान पर क्या सूत्र लगा? कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, तो ये लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा के स्थान पर 37 और साइन 53 साइन 53। अगली पंक्ति में 90 में से 37 को घटा दिया, 53 आ गया, साइन 53 साइन 53 कट गया, क्या आ गया? एक आ गया। इसी प्रकार हमें अन्य एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कोसेक 25 माइनस सेक 65 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। मान लो इस प्रकार का प्रश्न है, तो वही बात है, त्रिकोणमिति की जो सारणी थी उसके द्वारा तो मान रख नहीं सकते, क्योंकि सारणी में तो 0, 30, 45, 60 और 90 के मान होते हैं। यहां 25 और 65 है, तो दोनों का जोड़ के देख लो, जोड़ेंगे कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात की जो सूत्र है, उन सूत्रों से सवाल होगा। सवाल हल करने के लिए कोसेक 25 और सेक 65 में से किसी एक को बदल दीजिए, किसी भी एक को। तो सेक 65 को बदले मान लो, तो ये कोसेक 25 का, तो कोसेक 25 माइनस सेक 65 के स्थान पर कोसेक 90 माइनस 65। सेक का पूरक क्या होता है? कोसेक होता है, और 65 का 90 माइनस 65। सूत्र सेक थीटा बराबर होता है कोसेक 90 माइनस थीटा।
sec थीटा का पूरा कोण cosec थीटा, तो sec थीटा बराबर cosec 90 माइनस थीटा। तो मैंने ये वही काम किया है, sec 65 को क्या लिखा है cosec 90 माइनस थीटा के स्थान पर 65 है। अगली पंक्ति में केवल कोष्टक सरल करना है, cosec 25 डिग्री माइनस cosec 90 में से 25 गया तो cosec 25, ये संख्या प्लस की और ये संख्या माइनस की, कटने पर क्या हो जाएगा जीरो। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसका जो मान आएगा, वो मान कितना आएगा शून्य आएगा। यदि अंश बटे हर में होता तो कट के कितना होता एक, और प्लस और माइनस में कट के क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ध्यान रखना, यदि अंश बटे हर में होता कट कर क्या जाता एक आ जाता, और यह प्लस और माइनस में है तो कट के क्या आएगा जीरो आएगा। इस प्रकार के अन्य एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। मान लो प्रश्न इस प्रकार का है, साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा, तो हम प्रश्न को हल कैसे करेंगे। इसके लिए जो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्र है, उस सूत्र के द्वारा पहले 90 माइनस थीटा को हल करेंगे। साइन कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा प्लस, ये प्लस कोस थीटा का कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा का कोस थीटा, साइन थीटा का साइन थीटा, कोस 90 माइनस थीटा का साइन थीटा प्लस कोस का कॉस और साइन 90 माइनस थीटा का कॉस थीटा। अब ये क्या हो गया साइन थीटा, साइन थीटा कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये भी एक क्या बन गई सरल समीका, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है एक होता है, इसलिए एक आंसर। ये सरल समीका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। तो साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा का मान याद करेंगे तो मान कितना आएगा एक आएगा।